गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए आइए, हम अपने यूट्यूब चैनल उदय जीएस रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत करते हैं। जैसे आज आप लोग का है व्यंजन, ठीक है, तो आज आप लोग को व्यंजन पढ़ना है। देखिए आप लोग का पहला क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन आप लोग की हेडिंग है, देखिए, ठीक है, व्यंजन है। तो इसमें देखिए क्या कहा है, जिन वर्णों का जो स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वर्णों का मतलब जो वर्ण हम बोलते हैं उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है या नहीं होता है, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, मतलब वो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने व्यंजन की परिभाषा आप लोगों को इससे पहले भी बताया है, तो इसका ऐसा है कि जिन वर्णों का जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। इसकी मूल संख्या देखो, मूल संख्या 33 मतलब 33 है, और कुल पूछा जाए तो 39 है, ठीक है। तो अभी बताएंगे कि वो कौन कौन से हैं। देखिए मूल व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का कुल 25 है, मतलब जो मूल व्यंजन है वो स्मृत का जो स्पर्श व्यंजन होता है, मूल व्यंजन कई प्रकार के होते हैं, तो जिसमें उसमें जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 है, उसका कुल जो मात्रा है वो 25 है, और उसका मूल जो है वो 16 है, ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए जैसे जो हमारा व्यंजन है उसमें का जो स्पर्श व्यंजन है, ये पॉइंट समझिए आप लोग, उसमें का जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 है, और जो मूल व्यंजन है वो 16 है, ठीक है, इतना समझ में आया कि मूल व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो अब स्पर्श व्यंजन समझ में आया, और इसे उच्चारण करते समय मतलब जो स्पर्श व्यंजन है इसका उच्चारण करते समय जो पहले वैदिक काल के ऋषि मुनि थे उन्होंने इसका उच्चारण करते समय बताया था कि नहीं समझ में आ रहा है, रुको देखो। जैसे हमने क्या कहा कि जो हमारा व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोलता है, सिंपल सा, वो जो हमारा व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोलता है, और जो मूल संख्या है उसकी, जो उसकी संख्या है वो 33 है, और जो पूरा संख्या है, जो पूरा टोटल संख्या है वो 39 है, ठीक है। और जो मूल व्यंजन मतलब जो मूल व्यंजन है, ये मूल संख्या है, इसमें का जो स्पर्श व्यंजन है वो सिर्फ स्पर्श व्यंजन का ही 25 है, और स्पर्श व्यंजन का ही मूल व्यंजन मतलब मूल व्यंजन देखेंगे कि कितना है तो वो 16, ठीक है, अब समझ में आया। हाँ, तो ऐसे ऋषि मुनि ने इसे इनके उच्चारण को इसलिए स्पर्श, जैसे देखो जो हमारा स्पर्श व्यंजन है जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो ये स्पर्श करते हुए निकलता है, ठीक है। जैसे देखिए कि हम, रुको इतना समझ में आया, देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन देखिए कि इनका उच्चारण में स्पर्श हो रहा है, इनका उच्चारण में स्पर्श हो रहा है, तो जो हम वर्ड बोलते हैं जब वो स्पर्श होते हुए छूते हुए निकलता है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो देखिए जैसे स्पर्श व्यंजन में सबसे पहले आप लिखिए सबको लर्न है, क्योंकि ये तो लर्न ही होना चाहिए, ये बचपन में लर्न कराया जाता है। जैसे सबसे पहले जब स्टार्टिंग हम लोग पढ़ते थे तो का हाँ कबूतर ऐसे पढ़ाया जाता, तो हम लोग इसको ऐसे याद किए हैं, का से का ख ग घ
ठीक है, ये आपका क्या है व्यंजन है, ठीक है, ये आपका व्यंजन है, इतने आपके व्यंजन है, अगर आप इतना पूरा टोटल काउंट करोगे तो 36 होगा, लेकिन आपका स्पर्श व्यंजन में मूल व्यंजन कितना बताया है, स्पर्श व्यंजन का मूल संख्या जो है वो 33 है, ठीक है, और कुल व्यंजन पूछे तो इसका मूल व्यंजन 33 है और अगर कुल पूछे तो 39 है। इतना समझ में आया, मूल संख्या 33 और कुल संख्या 39 है। तो हम स्पर्श करते हैं, ऋषि मुनि ने इसे कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि उच्चारण करते समय, ऋषि मुनियों के समय में ये उच्चारण किया गया था, जब हमारे वैदिक काल में ऋषि मुनि आते थे ना, तो उनको जब उच्चारण किए थे तभी उन्होंने बताया था कि ये स्पर्श व्यंजन है और ये हमारे कैसे मुख को या कैसे स्पर्श करते हुए निकलते हैं, तो ये जानिए कि ये क्या है, ठीक है। जैसे देखिए हमारा ये पहला जो का से लेके प तक जो ये इतना है, ठीक है, जैसे ये जो हमारा का से लेके प तक है, देखिए जैसे ये का से लेके प तक जो दिया गया है, ये ना अपने आप में क्लास मॉनिटर जैसे होते हैं, क्लास मॉनिटर कि बनाए जाते हैं, तो वैसे ये लोग इस व्यंजन के मॉनिटर हैं, ठीक है, ये लोग क्लास मॉनिटर हैं, इसको जानते रहिए, ये इतना वर्ष जो है ना ये हमारे व्यंजन के मॉनिटर होते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये इतना हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है प तक, ये हमारे जितने वर्ष हैं, ये दो तीन छोड़ के, बाकी ये सब जो है 16 है, हमने आप लोग को बताया था कि इसका वर्ड 16 होता है। जैसे देखिए हमारा का जो है, देखिए ये हमारा का जो है ये कंठ से होता है, च जो होता है ताल से है, ता मूर्धन्य है, और ता मूर्धन्य है, ता दंत है, च ओष्ठ है, ठीक है, ये समझ में आया, पा ओष्ठ है, पा ये च नहीं है, सॉरी ये पा है, ठीक है, ये पा है, टाइप गलत हो गया। देखिए का जो है वो हमारे कंठ से लिया जाता है, इतना जानते हैं, का जो है हम जब बोलते हैं का का, देखो वो हमारे कंठ से लिया जा रहा है ना, और जो ये चा है, चा ये तालु से बोला जाता है, चा, ठीक है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, बोलिए, देखिए आप लोग को खुद ही हो जाएगा कि कहां से कैसे, जैसे हमने बता दिया तो आप लोग उसको फिन करिए ना कि कहां से हम कैसे बोल रहे हैं। देखिए जैसे ता हो गया, ता ये हमारे दंत से यूज किया जा रहा है, और ये पा, पा देखो ओष्ठ से बोल रहा है ना, तो आप लोग भी ऐसे बोलिए ताकि समझ में आ जाए। देखिए जैसे ये हमारा इतना वर्ष जो है, आप लोग को बताया ना कि कहां से कैसे बोला जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ड हो गया, ये इसकी जो ध्वनि निकलती है वो, ये जो ध्वनि निकलती है हमारे कंठ से, ताल से, मूर्धन्य से, दंत से, ओष्ठ से, ठीक है, इतना समझ में आया। स्पर्श व्यंजन यही है, का से लेके प तक की संख्या जो इसकी है ये 25 और 25 है। जैसे ये हमारा का वर्ग की बात जितना, जैसे क ख ग घ, फिर ये च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त तक आ गया त थ द ध, प ग प फ ब भ म, तो जैसे ये जो इतने आते हैं इसको अगर टोटल काउंट करेंगे तो ये 25 होगा, ठीक है, यही हम बता रहे हैं आप लोग को, अगर हम इसको टोटल काउंट करेंगे तो ये 25 होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। और देखिए जैसे हमने अभी लिखा था ये, ठीक है, ये हमारा जो तेजी हो जाएगा, ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा है ना, जैसे जो ये हमारा है माता, ठीक है, ये हमारा जो इतना वर्ड है इसको हम नासिक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नासिक, ये हमारे स्वर और व्यंजन में नहीं आते, ठीक है, ये कौन सा वर्ड है, नासिक के, ठीक है, इतना जानते रहे, इसको हम नासिक वर्ड बोलते हैं, तो ये हमारे न तो स्वर में आते हैं न तो व्यंजन में आते हैं,
अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग बताइएगा कि ये जो पांच वर्ड है इसे हम नासिक बोलते हैं। जैसे आ जाता है ना कि और भी कंपटीशन के क्वेश्चन में पूछा था कि जैसे ऑप्शन दे दिया था, सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था राइट नंबर ऐसे देखिए, जैसे क्वेश्चन ये था कि जैसे वर्ड दे दी कि इसमें से नासिक के वर्ड बताइए कौन सा है, तो ऑप्शन में कोई एक उठा के दे देगा, इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन उठा के दे देगा और बाकी सब व्यंजन से उठा के दे देगा। तो आप लोग को उसमें जब जानते रहोगे कि नासिक वर्ड कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, स्वर कौन सा है, कौन सा क्या है, तो जब आप लोग कंठ से पूछता है, ऐसे भी पूछ लेता है कि चाहे जिस कंपटीशन में, चाहे जिस चैप्टर, चाहे जिसमें आप पढ़ोगे, अगर उसमें हिंदी है तो ये पूछता है कि चाहे जहां से कि कंठ, कंठ ध्वनि से किस वर्ड से यूज किया जाता है, कंठ कहाँ से आता है। तो आप लोग जब पढ़े रहोगे, जानते रहोगे, तो फिर फटाफट बताने में आप लोगों की आसानी होगी। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ से कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। इस पर व्यंजन देखिए अभी नहीं, इस पर व्यंजन सबसे पहले देखिए, चलिए देखिए आप लोग इसमें से देखिए, जैसे ये क्या क्या कहा है कि आप लोग को बस इतने से मतलब रखना है। ओहो, देखना है कि ये स्पर्श व्यंजन की संख्या आपने बताया था कितना होता है, 25 होता है ना। तो आप लोग इतना जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। तो अब आप लोग को हमने ये भी बताया कि ये लास्ट की जो संख्या है पांच, जैसे देखो इसका पहला संख, इसका पांचवा और इसका हमने बताया कि ये लास्ट का जो पांच संख्या है, ये लास्ट का जो पांच संख्या है इसको हम नासिक वर्ड बोलते हैं, इतना जानते हो। और ये जो ये पहला वर्ड है ये इतना ये जैसे हमारा अलग अलग कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये सब से निकलता है, ठीक है। तो हमारा ये स्वर जो ये है ना, ये श्र और ये दो, ये तो ऐसे वर्ड है जैसे अंगा और या और श्र, ये तीन चार, मतलब ये पांचों और एक श्र, सीधे सीधे चले गए, ये पांचों और एक श्र जो ऐसे वर्ड है, ये हमारे तुर्की शब्द है। कौन से शब्द है? तुर्की शब्द है, ठीक है। ये जानते रहे इसे रा ना मा और श्र लास्ट में दिया है। ये देखिए जो हमारा इतना वर्ड है श्र जो है, ये हमारे तुर्की शब्द है। कैसे शब्द है? तुर्की शब्द है, इसको जानते रहिए। कभी कभी क्वेश्चन में दे भी देता है कि तुर्की शब्द इसमें से कौन सा है, तो जानते रहिए, ठीक है। देखिए आपका आ गया व्यंजन के भेद, ठीक है। हमारे व्यंजन के भेद देखिए कैसे हैं, व्यंजन के भेद। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या मूल संख्या 16 और कुल संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन 4 है, उष्म व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है और ये द्विगुण व्यंजन 2 है, ठीक है। इतना जानते रहिए। सबसे पहले ये देखिए कि हमारे व्यंजन कितने प्रकार के हैं, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त और द्विगुण व्यंजन, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 5 है, पांच है ना। और लेकिन अगर वैसे देखेंगे व्यंजन के भेद, तो ये अधिकतर ये दिखता है कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के भेद आते हैं, लेकिन
जानते रहिए। जैसे अगर कोई पूछता है तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बताइएगा पांच, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हमारा स्पर्श व्यंजन है, ये क वर्ग से आते हैं, हमने बताया ना कासरे के पातक जो आते हैं वो हमारे क वर्ग में आते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में आते हैं, जिसकी पूरी संख्या कितनी होती है 25 और मूल संख्या कितने होते हैं 16। अभी बताते हैं कि मूल संख्या 16 है तो कुल संख्या 25 कैसे हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन देखिए, ये चार होते हैं, या, ला, और वा, ये हमारे क्या है, चार है। तो इसको जब हम बोलते हैं, मतलब जब हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं तो जो वो हवा होता है वो हमारे अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, देखिए जैसे हमने अंतस्थ व्यंजन बोला, जो बोलते समय जो हवा है वो अंदर की तरफ जाती है। देखो जैसे मैं कहा या, रा, ला, वा आते ना, और ये जो हमारा ऊष्म व्यंजन है इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो श्वास होती है वो हवा बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, देखिए जैसे ये चार है और स, श, श, ह, क्या है, श, 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 ह। ठीक है, अगर आपको ट्राई करना है तो ऐसे हैंड आगे करो, ऐसे ऐसे श, 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 ह, देखो आता है ना कि स, श, श, ह। ठीक है, तो आप लोग ये इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका जो हम बोलते हैं बताना, हवा बाहर अंदर की तरफ होता है इसका बाहर। तो जो संयुक्त व्यंजन है, ये देखिए कि संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन को हम, ये द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये मिक्स होते हैं कि इसको जब हम ये यूज करते हैं। ठीक है, इसकी मूल संख्या चार है और ये दो द्विगुण व्यंजन है, ये वैदिक काल में लिया गया था। कब लिया गया था, वैदिक काल में, इसको वैदिक काल में ही बताया गया था, ऋषि मुनियों ने इसे वैदिक काल में ही बता दिया था कि इसे हम अपने व्यंजन में शामिल नहीं करेंगे। ये वैदिक काल से, मतलब जब वैदिक काल में था तब ऋषि मुनियों ने तभी बता दिया था कि ये द्विगुण व्यंजन जो ऐसे हैं इसको हम अपने व्यंजन में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो गया। अब देखिए जैसे आप लोग को अभी हम दिखा रहे हैं, पहले पहले इसको देखिए, जैसे हमने यहाँ पे पूरा काफे लेके लिखा, ठीक है, ये हमारा क्या है, व्यंजन है। इसके पहले भी हमने लिखा था लेकिन ये इसलिए लिखा ताकि आप लोग को बता सकें, ये हमारा क्या है, व्यंजन है। एक व्यंजन क्या मतलब वर्ड ही समझ लो, वर्ड क्या है हमारा, व्यंजन। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड क्या है, व्यंजन है। जैसे हमने बताया कि ये क वर्ग जो होता है ये कंठ से बोला जाता है, किससे बोला जाता है, कंठ से, और जो ये च वर्ग है ये ताल से बोला जाता है। ठीक है, देखिए जब आदर, और ये ट वर्ग जो है ये मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, और ये दंत से बोला जाता है, ट वर्ग जो होता है ये दंत से बोला जाता है और ये होंठ से बोला जाता है। सारे यूज हो गए, कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धन हो गया, दंत हो गया, होंठ हो गया, सब यूज हो गए कि हमारा व्यंजन कैसे बोला जाता है और कैसे काम करता है, काम कैसे बोलते हैं, हमने बताया ना आपको भी। तो फिर ये इतना जानते रहिए कि क्या है, इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन,
ये इतना आपने बताया ना कि स्पर्श व्यंजन है ये। हाँ, अगर कोई आपसे पूछ लिया उदित व्यंजन क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? स्पर्श और उदित एक ही है, ठीक है? अगर आपसे कभी पूछ लिया कि उदित व्यंजन क्या है तो आप लोग बता देना कि उदित व्यंजन और स्पर्श व्यंजन एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और इसकी संख्या कितनी है? 25। हमने बताया था ना इसकी संख्या कितनी है? 25 ना। तो अब आप लोग खुद से ही काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यहां तक कितना आ गया? 25, ठीक है? दिख गया ना कि हमारा का से लेके पा के बीच में जितने वर्ष हैं, ये इधर से ये इतना क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है और इसकी संख्या 25। हमने काउंट करके भी दिखा दिया आप लोगों को कि इसकी संख्या कितनी है, 25 है। और 16 जो मूल संख्या है इसमें का देखो, जो मूल संख्या है ये इसमें से हट भी जाता है, हमने बताया ना कि ये हट जाता है, ये 5-6 संख्या ऐसी है जो हट जाते हैं, ठीक है? तो अब आप लोग इतना समझ में आया, स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया आप लोगों को? इरेज करें, चलिए ठीक है। कंठ ताल मूर्धन्य दंत ओष्ठ सब समझ में आ गया ना, पेपर में सॉल्व कर लेंगे। स्पर्श और उदित व्यंजन एक ही है। चलिए अब आइए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारा व्यंजन का ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जाए तो वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए हमने जैसे क्या पैसा डिफिनेशन क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन वे वर्ड हैं जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय श्वास मतलब हवा अंदर की तरफ जाए तो वो क्या होती है? हमारी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है? अंदर की तरफ जाए तो वो क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है? इसमें या और व, जो इसमें या और व दो ऐसे वर्ड दिए हैं, देखिए ये हमारे अर्ध वर्ण हैं। अर्ध वर्ण भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर कहा जाता है इसको। जो हमारे या और व है ये हमारे अर्ध स्वर में भी आते हैं, ठीक है? अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया तो जानते रहिए कि अंतस्थ व्यंजन भी होता है और अर्ध स्वर भी होता है। अगर ऑप्शन में रहे या और व अर्ध स्वर के ऑप्शन में तो आप लोग इसे टिक कर सकते हो, गलत नहीं होगा। और अंतस्थ व्यंजन पूछे तो उसमें भी आएगा, ठीक है? इतना समझ में आया? चलिए अब आइए उसमें व्यंजन। उष्म व्यंजन, ठीक है? देखिए उष्म व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण में शरीर जैसे इनके उच्चारण में इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर को गर्मी फील होती है, गर्म सा फील, गर्म सा हवा अंदर से बाहर निकलता है तो वो हमारा क्या होता है? उष्म व्यंजन होता है। ऐसे समझ लीजिए कि व्यंजन उष्म व्यंजन ऐसे है कि जिनका उच्चारण करते समय हवा जो हमारी श्वास है वो बाहर निकलती है या हमें गर्मी गर्म फील होती है, इसके लिए हमारा ये संयुक्त व्यंजन उष्म व्यंजन है, ठीक है? तो जैसे ये आइए संयुक्त व्यंजन क्या है, ठीक है? देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है, अंतस्थ उष्म और स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया। अब देखिए संयुक्त व्यंजन जो वर्ण से मिलकर बना है, ये ऐसे वर्ण है दो वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है? किससे? दो वर्णों से मिलकर बना है वो हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है? वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इतना समझ में आया? जैसे मूल संख्या है 4, छत्रंग या और श, ठीक है? छत्रंग या
और श्र ये हमारे दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन देख लीजिए, अब इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दो गुण व्यंजन। ठीक है, ये क्या हो गया, द्विगुण व्यंजन। तो इस जिन व्यंजन के वर्णों में दो व्यंजन के गुण को उत्क्षिप्त करते हो, मतलब ये व्यंजन है जो दो वर्णों के व्यंजन को उत्क्षिप्त करते हो, करने का गुण हो, इसे हम क्या क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। दूसरा है उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, ये क्या हो गया, उच्छिप्त व्यंजन। और एक होता है निर्मित व्यंजन, निर्मित व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के इतने नाम हैं, हम इसको आगत व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और निर्मित व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे आप लोग द्विगुण परिभाषा देखिए, जिन व्यंजन के वर्णों में दो व्यंजनों के गुण उच्छिप्त होते हैं, जिन व्यंजन के वर्णों में दो गुण के व्यंजन उच्छिप्त होते हैं उसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो जैसे देखिए, इसे द्विगुण व्यंजन के ये नाम है, आगत व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और निर्मित व्यंजन। इतना समझ में आया। चलिए ठीक है, अब आप लोग के लिए दो क्वेश्चन है, आप लोग का स्वर और व्यंजन फिनिश, खत्म हो गया। चलिए ठीक है, अब आप लोग देखिए, आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में फारसी भाषा, हिंदी भाषा में फारसी भाषा दिख रहा है, ये भाषा है भाई, हिंदी भाषा में फारसी भाषा की पांच वर्ड हैं, पांच वर्ड हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में तुर्की भाषा है, हिंदी भाषा में तुर्की भाषा है। हमने बताया था ना, तुर्की व्यंजन किसे किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में तुर्की भाषा है, तो वो कौन कौन से हैं, इसका होगा ड और ढ, ये हमारे क्या है, तुर्की भाषा है। और इसमें क, क ख ग घ ऐसे वर्ड हैं, क ख ग घ, क ख ग घ और अंग, ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे हिंदी भाषा के फारसी भाषा में आते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप करेंगे जब आप लोग पेपर देंगे। चलिए, तो आज आप लोग का हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन फिनिश हो गया। ठीक है।